आगरा फतेहपुर सीकरी पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। फतेहपुर सीकरी में 25 दिसंबर 2018 में मंडी गुड़ रेलवे ट्रैक के समीप हुए मर्डर। मृतक का नाम कमेंद्र उर्फ चिंटू निवासी फतेहपुर सीकरी बाईपास के रूप में पहचान हुई थी। मृतक की पत्नी द्वारा दो व्यक्तियों के खिलाफ लिखवाया गया था मुकदमा, जिसमें धारा 302 व 201 में मुकदमा संख्या 721/2018 में दर्ज हुआ था मामला। थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज किया गया था ये मामला। आरोपी विनोद राजू उर्फ युवराज को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी द्वारा बताया गया कि कमेंद्र को शराब पिलावा गला दबाकर हत्या की गई थी। आरोपियों का कहना है कि मृतक ने आरोपी की पुत्री के साथ गलत काम किया था, इस भावना में से कमेंद्र को गला दबाकर मारा गया था। सर, जो रेलवे लाइन के पास जो घटना हुई थी 25 दिसंबर में, उसमें किस तरह की जांच की गई है, किस तरह का खुलासा है? देखिए, 25 दिसंबर 2018 को एक व्यक्ति कामेंद्र चिंटू, जो कि फतेहपुर सीकरी का ही निवासी है, उसकी डेड बॉडी पाई गई थी रेलवे ट्रैक के पास। उस समय जब मुकदमा लिखा गया था तो मृतक की पत्नी ने दो व्यक्तियों को शक के आधार पर नामजद करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। मुकदमा धारा 302 और 201 में लिखा गया था। मुकदमा का अपराध संख्या 721/2018 था। मुकदमे की विवेचना के दौरान में ये पाया गया कि जो दो व्यक्तियों की नामजदगी की गई है वो एक्चुअली घटना में शामिल नहीं थे। घटना कुछ इस प्रकार की थी कि 24 दिसंबर 2018 को जब मृतक अपने घर से गया था तो उसको उसके ही संबंधी विनोद, जो कि रूपवास का रहने वाला है, उसका एक मित्र राजू उर्फ इमरान, जो कि बिहार का रहने वाला है और विनोद का दोस्त हुआ करता था, और ये विनोद और अपने दोस्त इमरान के साथ इन लोगों ने कामेंद्र को शराब पिलाई, और उसने, जैसा कि इन लोगों ने अपने वाले जो हमें बताया है कि विनोद ने उसने उसकी जहर भी मिलाई थी, बाद में उसने उसकी उल्टी भी कर दी, जिसके कारण उसके चेहरे पे थोड़ी दाग आ गई होगी अगर आपने डेड बॉडी की फोटो देखी होगी। तो इन लोगों ने उसकी शराब उसको शराब पिलाया और उसके बाद जो है उसके गला दबाकर हत्या कर दी। उसके ऊपर में चढ़ बैठे और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। जब इनसे पूछताछ की गई कि आपने इनकी हत्या क्यों की गई है, तो जो विनोद है, विनोद का कहना है कि उसकी पुत्री है जो भी 10वीं कक्षा में पढ़ती है, और उस पुत्री के साथ मृतक ने कुछ गलत कार्य किए थे, और यही बात उसने अपने साथी इमरान और राजू को भी बताया था, और इस कारण से उसका ये प्रतिशोध लेना चाहता था, और प्रतिशोध की भावना से इसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। सर, पुलिस के कितने लोगों की टीम इस खुलासे में जुटी रही? देखिए, ये घटना जब से हुई थी और जब बॉडी पाई गई थी, काफी ये चैलेंजिंग और चुनौतीपूर्ण था हमारे लिए, और नामजदगी होने के कारण पहले उस वक्त पहलुओं पे विचार किया गया कि हो सकता है जो नामजद व्यक्ति उन्होंने हत्या की गई, लेकिन उनका अपराध सिद्ध ना हो सका, और फिर हमारे लिए ये डार्क टनल की तरह हो गया था। इसमें यहाँ की टीम, सर्वलांस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी, और इस तरह से करके जब विवेचना की गई और जब ट्रैक किया गया तो पता चला कि जो राजू है वो सूरत भागा हुआ था। वो पहले यहाँ से घटना करके बिहार चला गया, बिहार के बाद वो फिर वापस सूरत चला गया था, जहाँ पे वो काम करता था। पुलिस की एक टीम यहाँ से गई सूरत, वहां पे उस, और चूंकि 100% कंफर्म नहीं था तो पहले उसको पूछताछ के लिए लाया गया, पूछताछ किया गया, और जब उसको सबूतों के साथ कंफर्म किया गया तो उसने अपनी इस जुर्म का इकबाल किया, और गूगल करते हुए उसने बताया कि कैसे उसने घटना की है, क्यों घटना की है, और उसी आधार पर, उसके कहने के आधार पर विनोद की भी गिरफ्तारी हुई, और इस तरह से इतना वर्कआउट किया।